you haven't subscribed my channel, subscribe my channel and press the bell icon so you never miss any video from Mr. Anik. Hello and welcome to my new video guys. इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा MDCAT की प्रिपरेशन के हवाले से और MDCAT के पेपर सॉल्विंग के हवाले से. तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन के हवाले से कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनका आपको पता होना चाहिए और वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे. तो पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे MDCAT की पेपर सॉल्विंग के हवाले से जो पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं. तो प्रिपरेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं दो चीज़ें, लर्निंग एंड एवेल्यूएशन. अगर आप लर्न कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि आप कंसेप्ट बिल्ड करें अपने. तो बुक रीडिंग आप करेंगे तो आपने बुक से कंसेप्ट लेना है और आपने बुक के साथ ही कंटेक्स्ट के साथ ही आपने स्टिक रहना है. आपने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके अपने कंसेप्ट बनाने की नहीं करनी कोशिश, वो आपके बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि MDCAT जो आपकी बुक से अंदर मेनली आता है तो बुक ही आपने ज़रा रखनी है. नोट्स से आप ज़रूर पढ़ें लेकिन डोंट मेक योर सेल्फ डिपेंडेंट ऑन नोट्स कि आप नोट्स के बगैर आपको समझ नहीं आ रही, आप हर चीज़ ही नोट से पढ़ें तो उससे आपका नुकसान होगा क्योंकि लाइन्स जो हैं बुक की आ जाती हैं और आप नोट्स के मुताबिक कर देते हैं तो कभी कभी गलत हो जाती हैं क्योंकि चीज़ें नोट्स में गलत भी हो सकती हैं. आपको मार्क्स मिलेंगे बुक के हवाले से जो बुक में लिखा है वो, और आपने कोशिश करनी है कि आप बुक को रीड करें 10 डिफरेंट एंगल से. ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि एक एग्जामिनर 10 एग्जामिनर्स सोच रहे हैं एक ही सवाल बनाने के लिए, वो किस किस तरह से सोच के सवाल बना सकते हैं वो आप खुद सोचें और उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है. एक ही लाइन को आप बस रट्टा ना लगा लें, आप उसके कॉन्सेप्ट के पीछे भी जाएँ. तो दूसरी बात अब हमारे पास आ जाती है इवेल्यूएशन. इवेल्यूएशन आपने कैसे करनी है अपनी, आप टेस्ट दे के कर सकते हैं, आप पास पेपर से अब देख के आपने इवेल्यूएशन करनी है. ठीक है, तो अब टेस्ट देने के हमारे पास कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं. तो अगर हम फ़ायदे की बात करें तो ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस हो रही है, उससे आप आराम से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे. और नुकसान हमारा ये होता है कि बच्चे जो है ना उस क्वेश्चन के ना आदि हो जाते हैं कि लाइक एक ही टाइप ऑफ पैटर्न पेपर आ रहा है, आप उसी तरह से सवाल आएगा MCAT में भी. तो जब MCAT का एग्ज़ाम आता है तो वो बच्चे उसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन वैसे सॉल्व नहीं होता तो वह पैनिक कर जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनसे. और दूसरा, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं कोई भी एकेडमी सेशन, आप जो भी ज्वाइन किया हुआ है, आप कहीं भी टेस्ट दे रहे हैं, आप उसे कंसीडर करें अपना UHS का MDCAT टेस्ट. ठीक है, तो अगर आप उस तरह कंसीडर करेंगे, आपने टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से करनी है और सीरियसली आप देख के पेपर करेंगे तो आपको एक तैयारी हो जाएगी आपके MCAT के हिसाब से. तो दूसरा आपने क्या करना है, जब आप एक टेस्ट दे रहे हैं तो आपने उसकी मिस्टेक्स अपनी बुक पे लिखें और द रीज़न बिहाइंड द मिस्टेक्स आपने ये भी लिखनी है कितनी मिस्टेक हुई हैं, वो क्यों हुई हैं, लैक ऑफ लर्निंग की वजह से हुई हैं, कंसंट्रेशन नहीं थी आपकी, ये कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई आपसे, ये सब चीज़ें आप अपनी इवेल्यूएट करें कि वेयर आर यू स्टैंडिंग और आप कर सकते हैं कि नहीं. अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी. और एक और चीज़ आपने क्या देखनी है कि हाउ द पेपर इज़ सेट. आपने ये देखना है कि जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो किस दिमाग से बना रहा है, वो किस पैटर्न से बना रहा है. आपने पास पेपर्स देखे हैं उठा के, वो एक पैटर्न से चल रहा है. अगर वो पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो आप लाजमी पहुंच जाएंगे कि इस साल पेपर किस तरह से बनेगा, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल आएंगे या न्यूमेरिकल आएंगे या किस तरह के सवाल आएंगे, वो सब आपको पता लग सकता है इस चीज़ से. और दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सोसाइटी के अंदर आ जाती है कि बच्चे एक दूसरे को मतलब बता के कि मेरी इतनी तैयारी हो गई है, तो डोंट लेट एनी वन फील यू इन्फीरियर या अपने आप को आप कम समझें कि मेरी तैयारी नहीं है उसकी ज़्यादा हो गई है. और ना आपने अपनी तैयारी के लिए बूस्ट करना कि शौकी मारे मेरी इतनी तैयारी होगी, ना आपने बहुत रोना कि मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है. नॉर्मल रहें, अपने आराम से अपनी तैयारी करें, अल्लाह पे भरोसा रखें और MDCAT का एग्ज़ाम दें जाके. अब आ जाती है प्रैक्टिस की बात. प्रैक्टिस आप कोई भी MDCAT के नोट्स करें, कहीं से भी करें, MCQ से वो आप करें लाजमी. अच्छा है जितना ज़्यादा कर सकते हैं प्रैक्टिस MCQ की आप करें, और प्रैक्टिस बबल फिलिंग की भी लाजमी करें क्योंकि बबल फिलिंग आप गलत करेंगे ना तो आपका MCQ गलत हो जाएंगे. तो बबल फिलिंग करें लाजमी. और ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन की नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं वीडियो की, जो कि है MDCAT का पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स. ठीक है, अब सॉल्विंग के हवाले से हमारे सबसे पहले तो देखें पेपर इतना मुश्किल नहीं है लेकिन जो एकेडमीज़ हैं ना वो इस पेपर को मुश्किल बना देती हैं बच्चों के लिए. इतने मुश्किल उनसे प्रैक्टिस टेस्ट लेती हैं कि बच्चे समझते हैं कि MDCAT इससे भी मुश्किल आएगा और वो
पैनिक कर जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, नर्वस हो जाते हैं बच्चे के, पता नहीं क्या पेपर आएगा। तो आपने इस टेंशन ही लेनी, पेपर आसान ही आता है, बस कंसेप्चुअल होता है। ज़रा माइंड को ब्रॉड रख के आप सोचें तो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपने क्या करना है, आराम से आप पेपर से पहले दुआ पढ़ें, अल्लाह पे भरोसा रख के जाएँ, रिलैक्स करें। टाइम आपने देना है अपने आप की चीज़ों को ऑब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि आप एंड तक पढ़ते रहें और चीज़ें ऑब्जॉर्ब भी ना हो आप भूल जाएंगे। 8 घंटे कम अज़ कम सो के जाएं, आप अपनी स्टेशनरी वगैरह कंप्लीट करें। अब देखें जो चीज़ें बबल फीलिंग के अंदर नर्वस हो जाते हैं बच्चे के, बबल फीलिंग किस तरह करनी है उससे, उसके लिए एक तो आप प्रैक्टिस करें, दूसरा ये कि आपने ऊपर नीचे नहीं करने बबल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फेल होते हैं उसका रीज़न ये होती है वो ऊपर नीचे बबल फीलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है ना कट जाते हैं सारे। इसके लिए क्या करना है आपने कि जो आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं उसका नंबर देखें इधर, और बबल शीट पर नंबर देख के वहाँ पर उसके सामने डॉट लगा दें या उसी टाइम फिल कर दें। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं एंड में फिल करूंगा, साथ साथ फिल करें, उससे कोई मसला नहीं होगा आपका। दूसरा, आपने पैनिक नहीं होना पेपर अटेम्प्ट करते हुए। एक क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दें, अगला नहीं आता छोड़ दें, इवन 5, 6, 7 जितने भी आपको नहीं आते आप छोड़ के आगे चले जाएं। अगर आप एक सवाल पे आपने 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं सोचना, वरना आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। पैनिक नहीं करना, कोई बात नहीं, नहीं आता आगे चले जाए, भरोसा रखें आप। अगर वापस आके आप उसे दोबारा अटैम्प्ट करें जब एंड पे आपको हो जाए। तो अगर इसी तरह अगर लॉन्ग स्टेटमेंट्स आ जाती हैं आपके पास क्वेश्चंस की, तो एक दफ़ा आप उसकी ऑप्शंस पढ़ें। अगर आपको समझ आती है कि आपको आता है ये सवाल तो आप उसे कर लें, क्योंकि कभी कभी होता है कि स्टेटमेंट्स लंबी होती हैं और नीचे आराम से एक छोटा फार्मूला दिया होता है V=F λ इस तरह का, तो उससे क्या होता है कि आप स्टेटमेंट पढ़े बगैर ही आपको पता लग जाएगा कौन सा फार्मूला सही है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट लॉन्ग है तो आप उसे छोड़ के एंड पे चले जाएँ और वापस आके एंड पे आप उसे सॉल्व करें। दूसरा, MCQ सॉल्व करने का आपको रूल्स पता ही हैं, एलिमिनेशन रूल्स है। पहले जो जो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है आप उन्हें एलिमिनेट करते जाएँ, जो ऑप्शंस आपको लग रही हैं फिर एंड में उसे छोड़ दें। फिर अपने देखें तो आपके पास अटेम्प्टिंग ऑर्डर क्या है, आप अपने जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करें। बस आपने टाइम का ख्याल रखना कि आपने किस पोर्शन को कितना टाइम देना है। उसके लिए अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो बनता है ना बायोलॉजी का 858 मिनट्स बनते हैं, अगर 40 सेकेंड्स के हिसाब से हम देखें। इंग्लिश के 20 मिनट्स बनते हैं, केमिस्ट्री के 38 एंड फिजिक्स के 30। लेकिन अब जो बच्चों को टाइम लगता है वो फिज़िक्स में 30 की बजाय ऑलमोस्ट 50 मिनट्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसी तरह 38 to 40 मिनट्स आप केमिस्ट्री पे लगा दें, तो इन दोनों में आप 30, 40 to 50 है। लेकिन जो बायोलॉजी का पेपर है 88 MCQs को आप आराम से 35 to 40 मिनट्स में कर सकते हैं, बिकॉज इट्स सारा रट्टा है ये। आराम से आप बुक वाली लाइंस हैं आप देख के आप टाइम मैनेज करके 35 to 40 मिनट्स में आप बायोलॉजी करें। मैंने अब फॉलो किया था बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, तो 35 to 40 मिनट्स में मेरी बायोलॉजी हो गई थी। इंग्लिश को आप 20 मिनट्स की बजाय 15 मिनट्स में करें, एंड केमिस्ट्री को आप 40 मिनट्स में करें, एंड फिज़िक्स आपके पास 50 मिनट्स बचते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद भी आपके पास 5 मिनट्स बचते हैं, अगर कोई MCQ आपका रह जाता है तो वहाँ पर आप 5 मिनट्स कर सकते हैं। बस आपने इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने MCQ सही फिल करना है। कोई MCQ अगर आप छोड़ें तब, जब आपको लगता है कि बिल्कुल ही आपको नहीं आता, आपने गलत ही लगाना है इसका, तो आप छोड़ दें। लेकिन अगर आप वैसे ज़्यादा छोड़ेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा, बिकॉज अगर आप कोई तुक्के भी लगाते हैं MCQs में, उनमें से 2-3 भी सही हो जाते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स ऊपर आ जाते हैं। अगर ये हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं आता आपका, तो आप छोड़ दें। लेकिन अगर आप डाउट है तो आप ज़रूर ट्राई करें कि हो सकता है वो सही हो जाए। तो बाकी अल्लाह पे छोड़ के आप दुआ करें, इंशाल्लाह सब सही होगा। तैयारी अच्छी रखें अपनी और इन चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपके MDCAT का एग्ज़ाम ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।